अले चलो घर चले चलो आप तो यो 9 ही उठा रहे हो बार बार दिमाग खराब करती है रात आज तो इसको अब नाम लेगी रुक से झटका लगा दूँ लेगी नाम है కందర అగణిత అమిత చవి నవ నీల నీరజ సుందరం పట పీత మానహు తడిత రుచి శుచి నోమి జనక సుతావరం భజు దీన బంధు దినేశ దానవ దైత్య వంశ నికంజన రఘునంద ఆనంద కాంద కౌశల చాంద దశరథ నందన. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग. तो फिलहाल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, खुश रहोगे. तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है समथिंग 9:45 होने वाले हैं भैया. हमारे घर के झाड़ू सब मतलब साफ सफाई हो गई है, भगवान जी की पूजा हो गई, अब सिर्फ खाना बनाना बाकी है. और आज का हमारा प्लान है हमारे पप्पू को स्कूल में एडमिशन करवाने जाना है. हमारे पप्पू का स्कूल में एडमिशन करवाने जाना है, मतलब हमारा विदित अब स्कूल जाएगा भैया. अभी से 3 महीने बाद जब अद्विक जी स्कूल जाने लग जाएगा ना, जून या फिर जुलाई से, तब उसके साथ में विदित भी जाएगा. फिलहाल यहाँ पर हमारे तुलसी माता की पूजा हो गई है, सूर्यनारायण को भी जल चढ़ा दिया है भैया, और सामने का प्यारा सा व्यू. फिलहाल नीचे जा करके घर में खाना बनाने से पहले पेड़ों को थोड़ा सा पानी दे देते हैं, पेड़ों को नहीं हमारे घर के पौधों को. रवि पता है जब से गर्मियाँ लगी ना तब से मैं पौधों में 2 बार पानी डाल देती हूँ. पहले जब पूजा करने आती हूँ उस टाइम पे सुबह डाल देती हूँ, उसके बाद जब शाम को सूखे हुए कपड़े यहाँ पे से निकालने आती हूँ तब डाल देती हूँ. क्योंकि दिन भर की अच्छी खासी धूप लगती है ना तो पूरी मिट्टी सूख जाती है, पेड़ पौधे जो भी रहते हैं ना पूरे मुरझा जाते हैं. अब कुछ लोग कहते हैं कि जब पूरी धूप खाए हुए रहते पौधे तो फिर उनमें पानी नहीं डालना चाहिए, वो जल जाते हैं. अब पता नहीं ये सही है या गलत है, मैं तो 2 टाइम डाल देती हूँ भैया पानी. ओ गधे, ओ बोतल कहाँ है? अगादिया? ओ गधे, ओ गधे, ये निकाल लो गधे. एक बार बोला था मैंने सिर्फ ओ गधे, तो पता है मेरे को क्या बोलता? विदित को कलेगा, विदित को ओए गधे कलेगा, ए कलेगा बोल. मतलब मेरे को चमका रहा है कि विदित को ओ गधे करेगा. Hey guys, good morning, welcome back to our new vlog. तो फिलहाल अभी यहाँ पे बैठा हूँ सेटअप पे, वही चीज देख रहा हूँ भैया. सुबह 8 बजे से उठ के 8:45 को यहाँ पे बैठा हूँ, 10:30 हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ भैया. हम भैया अप्रैल फुल ही बना रहे हैं. चलो इसको अप्रैल फुल बनाने दो, अपन चलते हैं बाहर, कुछ भी खाते हैं और अभी रेडी हो गया. और अब भी जाना है विदित सर की स्कूल में. बाल बेकार से दिख रहा है आज तो मेरे को. अभी विदित सर के स्कूल में आना है उसके स्कूल का एडमिशन करवाने के लिए. कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर, कुछ कर ही नहीं रहा है. ना ऊपर को जा रहा है, ना नीचे को जा रहा है, अरे ना उठ रहा है ना सो रहा है. बेटा अपने से सुख किया है, पता है मेरे को, है ना? किया है नहीं किया? उठो जल्दी उठो, बाहर निकलो. ओ बापरे, पंखा कैसा काला काला हो गया, सफेद पंखा काला हो गया भैया. हमारे यहाँ पे ना डस्ट हद से ज्यादा उड़ती है, हद से ज्यादा. अभी पीसी यहाँ पे एक डस्ट कहाँ से उड़ के आएगी, पूरा घर पेगी, फिर भी डस्ट क्या पता कहाँ से उड़ के आ जाती है. और पंखा भी काला हो गया, जो कोई सामान रखा है ना कंप्यूटर वगैरह इस पर भी डस्ट बारीक बारीक से आ जाती, हाथ लगाओ पूरी निकलती खतरनाक सी. आता है जब मम्मा देगी आता. क्या हुआ बेटे? ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बना रही है अदिति खाना. खाना बना, 11 बज गए, खाना बनाएगी फिर हम जाएंगे विदित सर के स्कूल में. मेरे बेटे को मम्मा देती खाना. ठीक है, तो चलो फिर अभी खाना खाते और फिर निकलेंगे विदित सर के स्कूल में. अधिक सर की विदित सर के स्कूल में भैया विदित का एडमिशन करवाने के लिए. 12 बजे 12 तो बजे जाएगी. अब इसकी स्कूल खुली रहती कि नहीं रहती क्या पता. और नाम सुन के आप ही क्या, देखो इधर आओ विदित, विदित स्कूल जाएगा मेरा बेटा.
क्यों नहीं? नहीं 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 मारेगा डंडे से। मैंने इसको डरा के रखा था। विदित अधिक के स्कूल में जाने को बोलता था, वो वॉचमैन खड़े रहते, डंडा दिखाता था इसको, मैं डंडे से मारेंगे तो वही बोल रहा है मेरे को। आपकी दूसरी स्कूल है बात तो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे जो स्कूल में डंडे से मारते हैं ना, अपन वो स्कूल नहीं जाएंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे, ठीक है? हाँ, दूसरे के स्कूल में कोई घुसता है ना तो फिर मारते डंडे से, ऐसे नहीं मारते। आपके स्कूल रहेगी तो आपको थोड़ी ना मारेंगे। आपको तो बुलाएंगे। आपको बुलाएंगे, चलो विदित अंदर निकलो, आपको ऐसे बोलेंगे वो, ठीक है? आजा 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 ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आजा आजा, चलोगे स्कूल? अभी अभी इसको लेके चलेंगे भैया। विदित कहाँ जा रहे हैं अपन? स्कूल। है कि इस तो फिलहाल अभी विदित का स्कूल जा रहे हैं अपन एडमिशन करवाने के लिए। 12:30 बजने में स्कूल खुली होगी बंद होगी इसका नहीं पता, शायद तक खुली भी हो सकती है। जो भी होगा जैसा भी होगा स्कूल जा रहे हैं, इसका एडमिशन करवा के ही आएंगे आज तो। ये बदमाश को स्कूल पहुँचाना ही पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ पे घर पे सिर्फ क्या सीख रहा पता है? मेरे को डराएगा, विदित को डराएगा, विदित को मारेगा। बोल बोल, बस उसके पास उसको बस यही आता है भैया, खतरनाक सा, बस दूसरों को सबको डराओ। नहीं सकते उसको, ऐसा भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे को ऐसा करेगा? हाँ कुछ भी कर दो, बस वो अपन को डरा देता है भैया। वो मतलब दादा आदमी किसको बोलते हैं, ये अपने घर का दादा आदमी है। बस कोई ने कुछ बोला कि मेरे को बोलेगा, मेरे को मारेगा, बस उसका जाता ही नहीं भैया दिन भर। चलो अभी तो स्कूल जा रहे हैं, सामने का व्यू देखो, मैं यहाँ से निकलता ना बहुत अच्छा लगता, पर ऐसे गंदा सब बेकार लगता है। ये देखो भैया जो जो घरों में यूज होती ना ईटे, ये ईटे बना रहे हैं यहाँ पे। विदित खुश होने वाला है। हाँ विदित उठो तो जरा, उठो तो मेरा विदित। विदित काय? ये देखो भैया उसको जेसीपी दिख गई। ठीक है तो फिलहाल आ गए स्कूल। ए इधर एडमिशन करने, अरे एडमिशन करवाना है अपन को पहले, फिर अंदर जाएगा तू। चलेंगे भैया बैठे दीदी, चलो फॉर्म फिलअप करना है, चलो आ जाओ। विदित विदित इकुल का फॉर्म फिलअप कर दो ना। कहाँ जा रहे हो भाग के? अभी तो आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल जाना है, चलो। हे गाइस, तो हमारे विदित का एडमिशन तो हो गया है, और उसकी मैम ने कहा कि कब से आपको भेजना है आपके बच्चे को स्कूल। तो हमने बोला है कि भैया जून से क्लासेस लगेगी, तब तक हम भेज देंगे, अभी वो कॉर्पोरेट भी नहीं करेगा। तो बोले आप उसको अब भी लेके जाओ स्कूल में उसकी, उसको एक बार विजिट तो करवाओ, उसको इंटरेस्ट आएगा। विदित क्या बोलते हो, स्कूल चले? स्कूल चलो ना बेटा, प्लीज प्लीज, एक बार विजिट करने का बोला है। बोले आप एक बार विजिट को लेके तो जाओ, विजिट को मजा आएगा। हाँ चले पक्का, प्रॉमिस कर दो, प्रॉमिस। आपे आपे प्रॉमिस। टिक्कू ला गए, कोई बच्चे मच्चे तो है नहीं यार, जाओ तो से उसको एक बार लेके तो चले। अपन होंगे शायद अंदर क्लासेस में। ओ भाई विदित की नई नई स्कूल, वाओ विदित। मैम को हाय, हेलो करो, से हेलो, हेलो जय श्री कृष्णा कर दो, चलो। वाओ विदित आपको तो स्लाइड मिल गई। अले खेलेगा वो, दिन भर खेलेगा वो मेरे बगैर नहीं, आराम से खेलेगा, इतने सारे टॉयज हैं, बॉल है, सब है, स्लाइड मिल गई उसको। बोला जाओ, चल बेटा घर चलो, विदित घर चले, चलो घर चले, चलो मैं जाऊँ। विदित 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 मैं जाऊँ, चलो दीदी बाय। अरे विदित तो पलाई करने लग गए आप। ये हाँ
आप तो योर 9 ही उठा रहे हो बार बार। मैम को बाय कर दो। बहुत मस्ती हो रहे भैया हमारा बेटा। हे गाइस, तो फिलहाल स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं कि सर बैग लेने आ गए। दीदी कौन सा बैग लेगी? मछली पतली नहीं, मछली मछली बोला वो। दीदी कौन सा बैग लेगी? बताओ कुछ अच्छी चीज बताओ, कुछ अच्छी चीज बताओ ना, बच्चे को पसंद आना चाहिए। बड़ा अच्छा था, उसमें अच्छी स्लाइड थी, कि बहुत छाली बॉल थी। हाँ थोड़ी रहा था अदी जैसे काम नहीं नहीं जाना है। सुना है कि दो लड़के 3:30 हो रही, अब भी ना सब जन सो के उठे। हमारा नन्ना मुन्ना भी सो के उठ गया है। अब भी बन रहा है पास्ता। क्या बनाओ? मैगी बन रही है, देखो मैगी। हाँ पास्ता बना लो, उसको मैगी चीज़ बनाते हैं। हाँ पास्ता में सॉस पास्ता बना रही थी, पर वो नहीं है चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो। हाँ और साथ में वो भी नहीं, बटर, उसमें बटर लगता है, बटर और फिर मैदा डलता है उसके अंदर। मैदा बटर घी से भी काम चल नहीं बेटा, बटर बटर का काम करता है। इतना सा बटर लगता है, सब में काम चला लेती, तुमको पता भी नहीं चलता बटर डाला है कि घी डाला है। विधि देख तेरे मम्मी क्या बोल रही है, मास्टर शेफ बनना चाहती तेरे मम्मी। धोखा, खुद के एक्सपेरिमेंट करके देखे बनाना चाह, धोखा दे रही हूँ मम्मी। तेरे पापा को बोल कि जाओ चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो लाओ, कल बनाएंगे पास्ता। नहीं मेरा बेटा कल मैगी लेके जाएगा टिफिन में ना बेटा, स्कूल में मैगी लेके जाएगा। देख 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 मुस्कुरा रहा है उसके। देख एक बार टिफिन में जो मिल गया नहीं उसको, फिर वो वही लेके जाएगा। ये नहीं खाता है टिफिन में, ये हो चाहिए। विदित विदित तो मैगी लेके जाएगा। ओए 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 मजा आ गया इसके, तो कल इसको मैगी मिलेगी वह टिफिन के अंदर। मेरी जादू बेटी को पहले दिन वहाँ पे दूसरे बच्चे भी बिचक जाएंगे, ये तो मैगी खा रहा है। ये मेरे को क्या बोल रहे बेटा? बहुत सारा तायर है, दूसरे बच्चे इसको देख के रोने लग जाएंगे। अदिति यदि तूने इसको कल मैगी दे दी तो सच्ची बोल रहा हूँ। देख देख कितना खुश है, ओए दूसरे तो रोएंगे पर मैं तो कहूँगा कल मैगी स्कूल में, मेरी जान। हाँ भूख लगेगी नहीं मम्मी तो दूसरे बच्चे साथ में सब बैठ के खा लेगा, यदि दूसरे का भी खा जाएगा। कल ये नन्ना मुन्ना जाएगा, कल मेरे को देख देख के सुन सुन के ऐसा लग रहा है कल नन्ना मुन्ने को वहाँ छोड़ने जाएंगे अपन भी स्कूल। ओए होए मेरी जान। ठीक है, तो फिलहाल अभी अधिक कोचिंग छोड़ने गए थे तो वहाँ से मटर के दाने भी ले आए, और अपने छोटे छे पिल्ले को देखो जीजी पीछे खोद लाए। बापरे इतनी छोरी मिट्टी खोद दी आपने जीजी पीछे, देखो कितनी सारी खोद दी। ये इतना सारा माल भर लिया उसने, देखो। वाओ विदित, इतना बड़ा पत्तल भी उठा लिया जीजीपी ने। जी विदित, इतना बड़ा पत्तल उठाया जीजीपी ने, देखो ऐसा खोद खोद के डाल रहा है, देखो देखो। वाओ मेरा विदित, तो बोले क्यों? हाँ तो बोला। अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, वो मिट्टी से बड़े होने के बाद में थोड़ी नहीं खेलते, इसलिए छोटा है खेलने दो उसको, खेल रहा है। दो दो जीजीपी है, एक जीजीपी अलार्म कर रहा है, दूसरा जीजीपी खोद रहा है। अब वो जीजीपी की बारी गई, अब ये जीजीपी खोदेगा। आया आया कौन आया, मेरे हाथ गंदे है क्या पापा? हे आ गया आ गया आ गया गंदे बच्चा आ गया। ठीक है, तो फिलहाल विदित है ना, मिट्टी खेल के आया, पूरा का पूरा गंदा होके आया है। तो जेसीपी की हालत भी कितनी गंदी है, था बताओ, हाथ भी गंदे विदित भी गंदा। फिलहाल ना आदित्य ने यहाँ पे बनाया है हलवा और सेव, सेव नहीं बनाई है हलवा बनाया है, घी का पूरा एकदम मस्त वाला हलवा बनाया है। सेव तो निकाली क्योंकि मीठा खाते ना मुंह घूम जाता है, कहाँ घूमता है इसका नहीं पता, पर सब जन बोलते हैं घूम जाता है, इसलिए सेव खा लो तो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी 8 बज रही है और फिलहाल यहाँ पे बन रहा है खाना,
और मेरी फेवरेट चीज ये बेसन बना रही है भैया। और यहाँ पे तलने वाले हैं पापड़। ज्वार के ज्वार के ज्वार आती ना जो ज्वार मक्की आती ज्वार आती गेहूँ आते वैसी ज्वार आती है। धक्का मुक्की क्या मत कर रही थी, मार दूंगा ना ऐसा तो रोते फिरेगी समझ लेना, फिर तेरे घर वाले भी कहीं नहीं बोलेंगे तेरे को, यदि मार दिया तो बोलते भी नहीं आएगा, फिर दिमाग खराब करती है। रात तो आज तो इसको ऐसे इसीलिए अब नाम लेगी है, रुक से फटका लगा दूँ लेगी नाम है, गुस्सा मत दिलाना सही में झटका लगा दूँगी। ये देखो भाई कितनी गीली हो गई है, पानी में जाके लेट गई होगी, इनको ज़्यादा गर्मी लगती है यार। ए मेरी कोको नाला तो, क्या नहीं बिल्ली बिल्ली नहीं, अरे तू बिल्ले से कम है का, कितना समझाया पप्पा ने अभी आपको है? बिल्ली बंद कर दूं अंदर पिंजरे में, पकड़ो। नहीं मैं नहीं पकड़ रहा, जो बिल्ली का लीटर बॉक्स है ना उसका दाने अंदर गिरते तो उठा के मुंह में भर रहा था, वो खा रहा था, खाएगा जल्दी बोल। नहीं नहीं, नहीं इधर देख के बोल, मेरे को इधर देख के बोल, खाएगा पक्का, ये माऊ की अपनी नहीं है, आए अपनी नहीं है माऊ की है। हाँ तो बिल्ली की रख, मैं पे रख, नहीं तो बाहर नहीं निकालूंगा पिंजरे से, लाइट बंद कर दूंगा मैं, चल निकाल बाहर, तेरे प्रॉमिस करो खाओगे खाओगे, पहले बताओ इसको समझा, खाएगा ये दाने खाएगा, अरे क्यों ले दो, क्या हो गया क्यों, क्या हो गया, सिर दुख रहा है, अब खाना मत है ना, हाँ बैठे रहो चुपचाप वहीं पे, मैं देखना चाहता हूँ खाता है कि नहीं खाता है, मैं ना आप पे बैठूंगा, विदित आप पे खड़ा रहेगा जेल में आज, खाएगा आज तो तू यहीं पे खड़ा रहेगा बेटा, अले आल अले आल नहीं खाना मत, कोई भूत नहीं है। ठीक है तो फिलहाल रात की अभी 10:30 बज रही है, अब भी हम जा रहे हैं मेडिकल अधिक को विदित को लेके, अधिक ने ना वॉमिटिंग कर दी थी तो फिलहाल हमारे पास गोली जो ऑन टाइम आती है ना बच्चों की दवाई वो थी, पर हमने माधव को दे दी थी भैया तो इसलिए ख़त्म हो गई, अब भी लेने जा रहे हैं। अब उल्टी एकदम दो समथिंग दो तीन उल्टियाँ कर दी उसने भयंकर वाली, पेट भयंकर दुखा रहा है तो दवाई लाना जरूरी है ना बच्चे को, पहले दवाई ला देते दवाई पिला देते इसको, अपन अभी भी दुख रहा है दुख रहा है भैया। चलो ठीक है तो फिलहाल दवाई ले ली, ऑनडे में बच्चों को रहती है उल्टी करे ना तो दे दिया करो भैया ये वाली, फोटो खींच लो, हर कोई देता हुआ जिसके बच्चा होगा ये, हाँ मेरे छोटे छे गधे, क्यों मेरे गधे कहाँ देखो बे तो, हाँ देख लिया देख लिया।